गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आप सब जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो एक साल का इंतज़ार हमने किया है इसके लिए, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन की वजह से जन्माष्टमी का उत्सव नहीं हो पाया था। तो इस बार काफ़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा, तो उसी के लिए ये मेरा पहला वीडियो है जन्माष्टमी को लेकर के। और जन्माष्टमी के अभी 2-3 दिन बाकी हैं, उसकी तैयारियां किस तरह से हो रही हैं वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मथुरा में प्रवेश का पहला द्वार है। इससे पहले छठीग्रा पड़ता है, दिल्ली की साइड से आते हैं तो छठीग्रा से वृंदावन के लिए प्रवेश द्वार होता है, और यहाँ पर मैं जब खड़ा हूँ यहाँ से मथुरा के लिए पहला प्रवेश द्वार है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये फ्लाईओवर है, उसके नीचे मैं खड़ा हूँ, और इधर की साइड से दिल्ली के लिए आते हैं, और इधर की साइड से आगरा की तरफ से आते हैं। और इधर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए, ये मथुरा में अंदर जाने का पहला प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम मथुरा में अंदर जाएंगे। दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण का 5248वां जन्मदिन है, उनका बर्थडे है, जन्मोत्सव है। तो पिछली बार अच्छे से नहीं मना पाए थे, इस बार बहुत अच्छे से इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लेकर के चलते हैं आपको मसानी रोड से होकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि तक। तो चलते हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं मसानी रोड से होकर के, हम जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी, ये इधर देखिए, काफ़ी पेंटिंग वेंटिंग हुई है इधर, और ये लाइटिंग वाइटिंग का काम काफ़ी अच्छे से हो चुका है। और आगे आगे देखते हैं और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। और ये कल्याण करौती है, आंखों का बहुत अच्छा अस्पताल है। अब यहां से आगे चल रहे हैं हम, पहले मसानी पहुंचेंगे, फिर वहां से आगे हम जन्मभूमि के लिए चलेंगे। तो गाइस, मैं अभी फ़िलहाल मसानी तराए पे आ चुका हूँ, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इधर से मैं आया हूँ, इसको मसानी रोड बोलते हैं, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये मसानी तराया बोला जाता है। तो मैं यहाँ की आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। गाइस, ये मसानी तराया है, इसे अग्रसेन चौक भी कहते हैं। यहाँ पर ये इधर की साइड जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये ऊपर देखो बोर्ड लगा हुआ है, ये वृंदावन के लिए यहाँ से गया है, मथुरा से वृंदावन के लिए ये वाला रोड गया है। वृंदावन की किसी और वीडियो में बात करते हैं, फिलहाल हम मथुरा पर फोकस कर रहे हैं। और ये देखिए किस प्रकार से आज से इसकी सजावट हो रही है, और काफ़ी अच्छे से इसको सजाया गया है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर की साइड हम आगे बढ़ेंगे तो ये जन्मभूमि के लिए सीधा रास्ता गया है। गाइस, ये देखिए, ये अग्रसेन चौक है, और ये महाराज अग्रसेन की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, और अभी भी सजावट इसकी चल रही है। इधर देखिए, अभी काम चल रहा है इस पर, और इधर देखिए काफ़ी पुलिस वगैरह भी एक्टिव है। और ये देखिए, यहाँ पर योगी जी के आने का भी प्रोग्राम है, तो उस वजह से ये ऐसी बैन भी लगाई गई है, और काफ़ी यहाँ पर तैयारी का माहौल है। यहाँ से आगे दोस्तों, ये देखिए किस तरह से ये तैयारियाँ हो रही हैं, और काफ़ी दिन से ये तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, और अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो अभी भी यहाँ पर काफ़ी तैयारियाँ की जा रही हैं, जल्दी से जल्दी पूरा की जा रही हैं ये। और जहाँ से हमने वीडियो शुरू करी थी जन्माष्टमी से एक दिन पहले, वहाँ पे बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा, यानी कि कोई बाहर का वाहन अंदर नहीं आ पाएगा। तो अगर आप भी जन्माष्टमी पे आना चाह रहे हैं अपनी निजी गाड़ी से, तो प्लीज़ उसको अंदर लेकर के ना आए, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाएंगे आप लोग। दोस्तों, मसानी से थोड़ा सा मैं आगे आ गया हूँ, और मैं अभी फ़िलहाल रूपम टॉकीज के सामने खड़ा हूँ, और ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पर भी ये पांडाल लगाया हुआ है, यहाँ पर ये प्रसाद का वितरण करते हैं, यानी ये भंडारा चलता है जन्माष्टमी से एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है, और जन्माष्टमी एक दिन बाद तक चलता है, तो उसकी भी तैयारी काफ़ी ज़ोरों से यहाँ पर शुरू हो गई है, और काफ़ी हद तक हो भी गई है। और इधर आप देख रहे हैं, ये रोड सीधे डिग गेट के लिए गया है, डिग गेट से करीब 500 मीटर की दूरी पर जन्मभूमि है, और ये जो रूपम टॉकीज के सामने से ये रास्ता है, इधर भी जन्मभूमि का एक प्रवेश द्वार है। हाँ, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है इधर, लेकिन मेन गेट जो है वो डिग गेट से होकर के जाता है। तो अभी हम इस वाले रास्ते की बात नहीं करेंगे, हम मेन गेट की बात करेंगे, तो हम यहाँ से आगे चलेंगे अभी डिग गेट के लिए।
तो गाइस मैं अभी डिग गेट पर पहुंचने वाला हूं और लगभग पहुंच चुका हूं। अब यहां से आगे हम जन्मभूमि के लिए चलेंगे। गाइस तो मैं इस समय अभी डिग गेट पर खड़ा हूं और ये देखिए डिग गेट भी काफ़ी अच्छे से यहां पर सजाया गया है। गाइस देखिए कितना सुंदर यहां पर भी सजावट की गई है। और ये डिग गेट का चौक है और इधर ये डिग गेट थाना चौकी है। और अब आगे चलूँ, मैं आपको दिखाऊँ आगे चल करके। तो इधर इधर अगर हम जाएंगे दोस्तों इधर, तो ये जन्मभूमि के लिए ये रास्ता गया है अगर हम इधर जाते हैं तो। और इधर हम जाएंगे तो ये मथुरा के अंदर जाने का रास्ता है, जो कि बीच मथुरा में मार्केट है, जो उधर इधर से जाना होगा। और बाकी ये जन्मभूमि के लिए जाने का ये रास्ता है। और मैं इस समय डिग गेट पर खड़ा हूँ, तो यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा। गाइस मैं जन्मभूमि के बिल्कुल पास में पहुंच गया हूं और इधर देखिए आप, ये जन्मभूमि के लिए रास्ता गया है। यहां से मैं अंदर प्रवेश करूंगा और ये पीछे मेरे देख रहे हैं, ये डिग गेट से होकर के रास्ता आया है जो कि मसानी होते हुए हाईवे पर पहुंच जाता है। और इधर ये जो सामने मेरे जो रास्ता दिख रहा है, ये रेलवे स्टेशन और नए बस स्टैंड के लिए जाता है ये रास्ता। तो आप अगर नए बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आपको यहीं पर उतरना पड़ेगा जन्मभूमि के लिए। और वहाँ से ऑटो से 10 रुपये लगते हैं बस रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड से। तो दोस्तों इधर हमको जाना है आगे, ये जन्मभूमि का प्रवेश द्वार है और हम यहाँ से आगे जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर बाइक की एंट्री बंद कर दी गई है अभी से, तो मुझे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए, या फिर मैं बाइक को यहीं पर कहीं खड़ी करूँगा, उसके बाद में मैं अंदर जाऊँगा यहाँ से। तो फिलहाल देखते हैं क्या करना है, अभी अंदर तो जाना ही है। तो आपको आना चाहिए और देखना चाहिए, काफ़ी आनंद आने वाला है इस बार। और मैंने भी पिछली बार मैंने बहुत मिस किया, क्योंकि पिछली बार हम एंजॉय नहीं कर पाए थे, बट इस बार काफ़ी मज़ा आने वाला है। और जन्माष्टमी की लाइव वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस ये देखिए जन्मभूमि के लिए अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार है और अभी से यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो चुकी है अंदर जाने के लिए। और आप आएँ तो इस वाले द्वार से आ सकते हैं और इसके 3 अदर गेट और हैं। और जन्माष्टमी के ऊपर हमने पूरी एक संपूर्ण वीडियो पहले बना चुके हैं और उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ तक आ गया हूँ और देखिए अभी से काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और आप जन्माष्टमी के समय में अगर यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है उस समय और आपको दर्शन मिलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस बार काफ़ी भीड़ होगी। और इधर आप साइड में गेट के बगल में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका सामान रखा जाएगा, आपको पर्ची मिलेगी और सामान जमा हो जाएगा आपका, और उसके बाद में आपको मोबाइल वगैरह अंदर लेकर जाना अलाउ नहीं है। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखें, अगर अपनी निजी गाड़ी से आप आते हैं तो मथुरा में निजी गाड़ी का प्रवेश अब बंद हो जाता है जन्माष्टमी से एक दिन पहले, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और इस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करेंगे, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अब ऐसे ही रेगुलर जन्माष्टमी तक हम वीडियो डालेंगे, अभी फ़िलहाल मथुरा को हमने कवर किया है, इसके बाद में हम वृंदावन को भी कवर करेंगे। और अभी हमने दिल्ली से आने और आगरा से आने वाले लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, जो कि हम मसानी रोड से होकर के आए थे हाईवे से होकर के, और अभी हम यमुना एक्सप्रेस से होकर के जो लोग आने वाले हैं उसके ऊपर भी हम अभी वीडियो बनाएंगे एक, तो उस वीडियो का भी आप इंतज़ार करिए कि यमुना एक्सप्रेस वे से अगर कोई आता है तो वो जन्मभूमि तक कैसे पहुंचेगा, तो उस वीडियो का आप वेट करिए। और इस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, तो बाकी हम बातें अगली वीडियो में करते हैं, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। और जन्माष्टमी का उत्सव है वो हम आपको लाइव दिखाएंगे हो सका तो, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना तो अलाउ नहीं है, ना कैमरा अंदर जाएगा, तो अंदर का तो सीन हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहर से जो माहौल होगा मथुरा का वृंदावन का वो हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। अभी हम आपसे विदा लेते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।